आप आगे बढ़ें, अगले दो महीनों के अंदर आपका लीडर आपके पास होगा। मैं आज भी कहता हूं कि काजी फायजी साहब, तुमने जवाब दे ठहरना है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और आपसे हिसाब ये काला कोट लेगा। इस तहरीके इंसाफ को, इस कौम के लिए, इस कौम की तकदीर को बदलने के लिए, इस कौम में शऊर पैदा करने के लिए ये तहरीके इंसाफ बनाई थी। आईएलएफ का प्रोग्राम, एक बात पे हम इकट्ठे हुए हैं कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की सुप्रीमेसी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए क्या हालात मौजूद हैं। जुल्म का बाजार गर्म है और पिछले 76 साल से हम लोग इस जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की अवाम, बलूचिस्तान के वकला के ऊपर जिस तरह जुल्म और तशद्दुद किया गया, जिस तरह से क्वेटा कार्निज 8 अगस्त को ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट और ज़िला कचहरी के लोग अपने लाशें कंधों पे उठा के ले जा रहे थे, वो गालिबन 8 जून का एक शहीद था जिसकी कंटिन्यूटी के लिए इन 80 वकला ने जामे शहादत नोश किया। मैं उस वक़्त अपनी फैमिली में, आपको पता है वकला को 8 अगस्त को छुट्टियां होती हैं, अपनी फैमिली के साथ उस वक़्त नॉर्थन एरिया में थे। एक मैसेज आया जैसे ही मेरे फोन का नेट चला, तो एक मैसेज आया कि क्वेटा के 80 वकला तकरीबन शहीद हुए हैं, उसमें बाज मोहम्मद काकड़ हो, उसमें दाऊद कांसी हो, उसमें जितने वकला शहीद हुए उनके साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक था, क्योंकि बाहर पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग जब अपने सूबे की सियासत करते हैं तो बैनुस्सूबाई हमारी मीटिंग्स चलती हैं, और इन मीटिंग्स के अंदर हमारा एक ही एजेंडा होता है, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती। और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम वकला कम्युनिटी हमेशा खड़े रहे, उसमें इफ्तिखार चौधरी की तहरीक हो, उसमें एलएफओ की तहरीक हो, उसके अंदर जितने मार्शल लॉज लगे, तो एक फ्रंट लाइन पे काला कोट हमेशा रहा। अभी यहाँ पे पार्टी के कुछ लोगों ने बात की कि 9 मई के बाद हमें वकला की इस अहमियत का पता चला, वकला खान के साथ कैसे खड़े हुए, वकला हमेशा मजलूम के साथ खड़े रहे हैं। आज जुल्म पीटीआई के ऊपर किया जा रहा है, आज जुल्म हमारे वकला के ऊपर 350 वकील एक दिन में लाहौर में से गिरफ्तार हुआ, बीइंग प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार, रात का अंधेरा पड़ने से पहले उन 350 वकला को रिलीज करवा चुका था। आज आपसे वादा करता हूं कि अभी भट्ट साहब ने एक बड़ी जिम्मेदारी डाली, वो जिम्मेदारी तो इमरान खान साहब ने 8 तारीख को डियाला जेल में इन नातवान कंधों पे डाली, और मैंने आमीन कहा, और सिद्ध के दिल से आपके साथ वादा करता हूं, सिद्ध के दिल से आपके साथ वादा करता हूं कि आप आगे बढ़ें, अगले 2 महीनों के अंदर आपका लीडर आपके पास होगा, इंशाल्लाह।
मैं कभी किसी चीज से ना कंप्रोमाइज करता हूं, ना अल्लाह के हुक्म से कभी गलत बयानी करने की कोशिश भी की है। मेरे रब की हमेशा नुसरत हमारे साथ शामिल हाल रही है, और जो वादा करते हैं इस चीज को सामने रख के करते हैं कि उफ बिल्लाहदी इन्नल्लाहद कान मसूला, वादा पूरा करो, क्यामत के दिन वादों के बारे में पूछा जाएगा। आप दोस्तों ने यहां पे वादा किया, इंशाअल्लाह उल अजीज इस वादे की तकमील के लिए अफरीदी साहब आपकी परेशानी समझता हूं। आज वक्त की कीमत है, आज लोग परेशान होके उठ जाते हैं, लेकिन आपको शराए दस्तूर पे इंशाअल्लाह उल अजीज कोई एक कारकुन, कोई एक वकील पीछे हटता हुआ नजर नहीं आएगा। हम बढ़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, हम लोग पार्लियामेंट भी जाएंगे, और इस फॉर्म 47 की पैदा करदा हुकूमत को उसके घर तक भेजेंगे। हमारे खान का नैरेटिव क्या है? अभी दोस्त पूछना चाहते थे, बहुत सारे दोस्तों की मुलाकात नहीं हुई। मैं उनको बताऊं कि 8x10 का सेल उन्हें नहीं तोड़ सकता, वो पहले से ज्यादा डिटरमिन हैं, वो पहले से ज्यादा कमिटेड हैं। उन्होंने ना किसी डील की तरफ तवज्जो दी, बल्कि आपको वाजे करना चाहता हूं, पार्टी के लोगों को भी, आईएलएफ के लोगों को भी, कि जिस शख्स ने खान के साथ किसी डील और डील की बात की तो वो खान उसको मिलने से इनकार करता है, वो किसी बात पे कंप्रोमाइज नहीं करता। आप भी सोच के रखिएगा, आप भी सोच के रखिएगा कि कहीं आपके कदम लड़खड़ा ना जाएं, कहीं ढील और डील की बात आप भी कानों में ना डाल लीजिएगा। यहां पे जो कुर्बानियां दी हैं वो खान ने इस कौम को आजाद करवाने के लिए दी हैं। मेरे लीडर ने एक ही बात की, मेरी रिहाई की बात मत करो, मेरी कौम के मैंडेट को वापस लाने की बात करो। वो पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन हो तो उसको मैंने फाइल किया, अगर सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन चल रही है तो वहां पे इंशाअल्लाह उल अजीज जब सलमान अकरम राजा अपने आर्गुमेंट कंक्लूड करेगा तो आपकी मखसूस नशिस्तें भी आपके पास होंगी। ये नहीं होगा कि कोई गासिब, वो चाहे काजी हो, इस काजी के लिए लोगों ने तहरीक चलाई थी, मैं तब भी कहता था ये बददियानत है, ये खाइन है। मैं आज भी कहता हूं कि काजी फायजी साहब तुमने जवाब दे ठहरना है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और आपसे हिसाब ये काला कोट लेगा, और ये काला कोट जिससे हिसाब लेता है उसे इबरत का निशान बना देता है। बहुत सारे ताले आजमाओं के साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए और उनका ख्याल था कि शायद हम कामयाब और कामरान हो जाएंगे, जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बनी। आज आप फर्जंदे बलोचिस्तान कासम सूरी को नोटिस देते हो कि आओ मेरे सामने पेश हो, ताकि तुम उसको फिक्स कर सको, ताकि तुम अपने कीना को पूरा कर सको, ताकि तुम्हारे दिल के अंदर जो आग जल रही है उसको ठंडा कर सको। नहीं आएगा वो तुम्हारे पास, नहीं है वो मौजूद। आप वकीलों को दबा सकते हो, उनको कंटेम्प्ट के नोटिसेस दे सकते हो, उस पे आर्टिकल 6 का मुकदमा चला सकते हो। आर्टिकल 6 का मुकदमा तो ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी चला था, कहां गया वो तुम्हारा आर्टिकल 6? वड़ गया। इन्हीं अदालतों ने उसको हवा में उड़ा दिया। कहां गया तुम्हारा साइफर का केस?
कहां गया तुम्हारा अल कादर ट्रस्ट? वो जिसकी अमाउंट सुप्रीम कोर्ट के खजाने में पड़ी है, वो उसमें कौन सा जुर्म हुआ? मुझे समझ नहीं आती थी कि नैब इसमें से निकालना क्या चाहती है, नैब के पास केस क्या बनाया गया है। लेकिन वो कहते हैं कि इस राणा सनाउल्ला पे शहरयार अफरीदी ने झूठा मुकदमा किया था। इसने तो उस वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह के कहा था कि अगर मैंने झूठा बनाया है तो मैं जिम्मेदार हूं, आज भी क़यामत के दिन भी। और अगर ये सच्चा है, उसकी गाड़ी में से ये अगर नारकोटिक्स निकली है, जिसने भी रखी है, जिम्मेदार वो हैं, हम नहीं हैं। उस वक्त लोगों ने ये बात कही कि ये झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। तो जिल्लत और शर्म आपको आनी चाहिए कि खान के खिलाफ और कुरान के अंदर जिस निकाह को मुबारक कहा गया, हदीस में जिसको निकाह को मुबारक कहा गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे महबूब सुन्नत फरमाया, लानत है तुम पे कि तुम उस वक्त पे उस चीज पे आज मुकदमा दर्ज करने जा रहे हो। ये कुरान की मार पड़ेगी, इनको जरूर पड़ेगी। ये सुन्नत की नफी करने पे इनको सजा मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और खान सुरखरू होगा, खान कामयाब होगा। और यहां तक बात आई कि आज हम यहां इकट्ठे क्यों हैं। अफरीदी साहब चंद लोग आते हैं चले जाते हैं, वक्त की कीमत भी है, लेकिन ये जो तारीख रकम हो रही है, इंशाल्लाह ये आपकी आपकी पार्टी की इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती की तहरीक है। हमारे साथ, मैं आपको बताऊं, जिस वक्त इफ्तिखार चौधरी की तहरीक थी तो हमारा प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बिक गया था, लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन तहरीकें कामयाब होती हैं और मंतकी अंजाम तक पहुंचती हैं। और इमरान खान की अपनी ज़ात के लिए कोई तहरीक नहीं है, अपनी मनफियत के लिए कोई तारीख नहीं है। इमरान खान ने जिंदगी में जो ग्लैमर देखा, जो जिंदगी की आसाइशें देखी, मैं समझता हूं कि शायद पाकिस्तान का कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जितना तायुश की जिंदगी खान ने गुजारी कोई एक शख्स नहीं जान सकता, कोई एक शख्स नहीं गुजार सकता। जितनी फेम उसे दुनिया में तहरीके इंसाफ को बनाने से पहले हासिल थी, उतनी फेम भी कोई हासिल नहीं कर सकता। उसने अपनी जात के लिए यह तहरीके इंसाफ नहीं बनाई थी, इस तहरीके इंसाफ को इस कौम के लिए, इस कौम की तकदीर को बदलने के लिए, इस कौम में शऊर पैदा करने के लिए यह तहरीके इंसाफ बनाई थी। आपको याद होगा कि किसी एक शख्स ने पहले भी एक नारा लगाया था, वोट को इज्जत दो, बहुत खूबसूरत नारा था। नारे को पजीराई कब मिलती है? जब नारा लगाने वाला उस चीज पे खुद अमल करता है। उस नाजेरे को पजीराई क्यों ना मिली? इसलिए कि वो डील का मुतमन्नी था, वो अपनी जात, अपनी चोरियों, अपनी डकैतियों, अपने मुकदमात को खत्म करवाना चाहता था, इसलिए उसे पजीराई नहीं मिली थी। आज इंसाफ को इंसाफ दो, आज रूल ऑफ लॉ के लिए, आज इस कौम को शऊर देने के लिए हमारे खान के नारे को पजीराई मिली कि नहीं मिली? कब मिली? जब तुम लोग ये सोच रहे थे कि ये पार्टी खत्म हो गई, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, ये पार्टी खत्म कर दी गई है। तुम लोग तो सोच रहे थे कि नहीं, ये पार्टी को कोई वोट भी नहीं पड़ेगा। तुम्हारी तो नींदें बेदार हो गईं, तुम्हें तो झटके बिजली के लगने शुरू हुए। शाम 6 बजे 8 फरवरी को इस नारे को पजीराई मिली थी। इस नारे ने जो शऊर दिया था खान ने,
उसने मेटीरियलाइज किया 8 फरवरी को, जब लोगों ने आपको वोट दिया तो लोग जो मुक्तदर थे, जो रिपोर्टें बना रहे थे, जो रिपोर्टें सबमिट कर रहे थे, जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस और विक्ट्री स्पीच के लिए अपने स्टेज बना चुके थे, वो स्टेज भी बढ़ गए, वो विक्ट्री स्पीचेस भी बढ़ गईं और आपके नारे को पजीराई मिली थी। और फिर आपको आज भी बताता हूं, इंशाअल्लाह अल अजीज 6 जजेस का ये लेटर आप लोगों के लिए उम्मीद की वो किरण बन के निकला। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि खान की मदद गैबी मदद होती है, खान को अल्लाह पाक की तरफ से वो अता है कि जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। ये कहते हैं कि ये सारे जजेस को भी हमने कंट्रोल कर लिया, सारे प्रोसिक्यूशन को भी हमने कंट्रोल में रखा, तो वहां से मर्दे कलंदर किसके लिए निकले? अपनी आजादी के लिए निकले। 6 जजेस का खत जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन में आया, सुओ मोटो लेना पड़ा, फुल कोर्ट के फैसले में ये काजी बैठ के कहता है कि मेरा क्या मसला है, ये मुझसे पहले का मसला है, मैं क्यों सुओ मोटो ले लूं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी खड़े हो गए, 5 हाई कोर्ट से यूनानिमस रिस्पांस आया कि यहां मदाखलत की जा रही है। कौन मदाखलत करता है? क्या आप और मुझे नहीं पता किनको फैसले चाहिए? उन्हें ही फैसले चाहिए जो असल इक्तदार अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लेकिन मैं आज वादे कर दूं कि एस्टेब्लिशमेंट भूल जाए कि ये इक्तदार अब उसके हाथ में रहेगा, वो इक्तदार अल्लाह के दिए हुए इस जमहूर के पास होगा और हमारी ये तहरीक कामयाबी से हमकिनार होगी। 6 जजेस का जज जब खत जो था, उस खत ने वकला को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया। वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड क्यों किया कि जब 2-3 जजेस बैठते थे तो आपस में खुसर फुसर करते थे कि मुझे फोन आ रहा है, मुझे इंडिविजुअली लाहौर हाई कोर्ट के बहुत सारे जजेस ने बुलाया और कहा कि ये प्रेशर है। मैंने कहा आप खड़े रहें, इंशाअल्लाह अल अजीज वो वक्त दूर नहीं है कि ये आवाज़ पूरे ऐवानों तक जाएगी। और एक महीना नहीं गुजरा था तो ये 6 जजेस का लेटर आ गया। अब आप तमाम दोस्तों से मेरा इतना सा कहना है कि ना तो हम अपने लीडर को भट्टों से तशबीह देते हैं और ना ही इन चोर डकैतों से देते हैं। मेरा लीडर इमरान खान हक और सच की आवाज है, उसकी अपनी जात के लिए कोई चीज नहीं, उसकी इस कौम के लिए सब कुछ है। वो कहता है जान तो बहुत थोड़ी है, जान छोटी चीज है। हम इनको तंबीह करते हैं और अपने पार्टी के दोस्तों को भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वो तख्तेदार की बात मत किया करें। हम इंशाल्लाह अपने खान को बाइज्जत बरी करवाएंगे और इन झूठे मुकदमों को हवा में उड़ा के रख देंगे। मैं सुबाई ILF इकबाल शाह को खराज अकीदत पेश करता हूँ, उसकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पूरी पाकिस्तान में से जितने मुकदमात, ये तो कहते हैं ना कि हमें जब सैर के लिए लाया जाता था बलूचिस्तान को वो सेफ हाउस कहते थे, कहाँ गया वो सेफ हाउस? जिस भी मेरे लीडर को यहां लेके आए तो इकबाल शाह ने वाड़ के रख दिया। सिर्फ वड़ नहीं गया, ये इकबाल शाह और उसकी टीम को
मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह से एक कारकुन से लेके एक लीडर तक के लिए उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। दाऊद शाह साहब, आप नौजवान साथी हैं, बलूचिस्तान की बागडोर आपके हाथ में आई है। इंशाअल्लाह उल अजीज आपकी ये ILF आपका हरावल दस्ता रहेगी और कोई आपके पार्टी लीडर्स की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकेगा। मैं आप तमाम वकला बहन भाइयों का, पार्टी के दोस्तों का, बहन भाइयों का बेहद मशकूर हूँ कि बलूचिस्तान जहाँ बात करना मुश्किल होती थी, आज हम बैठ के ये गुफ्तगू भी कर रहे हैं। ख्वाहिश तो मेरी ये है आफरीदी साहब, अगर आप परमिट करें, अगर आप साथ दें, वैसे मैं इजाज़त खान साहब से ही लेता हूँ, आप आज हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं खान साहब के, अगर आप इजाज़त दें तो इस प्रेस क्लब के बाहर हम ये सब अपने साथियों को बाहर लेके चलते हैं और इंशाल्लाह ये जो कहा जाता है कि हम सिर्फ बंद कमरों में तकारीर करते हैं, बट साहब ने कुछ तर्जमानी करते कहा, इश्तियाक खान जिस शख्स का नाम है इंशाअल्लाह अज़ीज वो सीने पे गोली खा सकता है, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेगा और कामयाबी इंशाअल्लाह आगे बढ़ के इंशाअल्लाह छीन के लेंगे। और अगर ये हाउस मेरा बार का हाउस, मैं अपने हाउस से परमिशन लेता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि ये प्रोग्राम कंक्लूड होने के बाद हम प्रेस क्लब के बाहर जाके रोड के ऊपर एहतजाज करें, क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है? क्या आप सबको मंजूर है? जब हम यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म करेंगे तो प्रेस क्लब के बाहर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाहर निकल के इसके ऊपर हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और अपने खान के रिलीज के लिए, उसके झूठे मुकदमात को ख़त्म करने के लिए हम आपसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ छीन के लेंगे आज़ादी, और हकीकी आज़ादी इस अवाम की हम लोग लेंगे। मैं आप तमाम बहन भाइयों का बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ और जमील बोस्तान साहब, आपका रात का प्रोग्राम जो था वो शानदार तरीन प्रोग्राम था, तीख खान बोस्तान को जो वहाँ पे आपने शामिल करवाया है, दाऊद शाह साहब आपकी एफर्ट्स का